राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगी है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के कर्मचारियों से मिलेंगे और 13 अक्टूबर को कर्नाटक के बेंगलुरु में कैंडल मार्च निकालेंगे। राहुल गांधी का यह कैंडल मार्च कर्नाटक कांग्रेस के दफ्तर से लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के दफ्तर तक चलेगा। इस मार्च के जरिए राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे। हालांकि यह जानकारी कांग्रेस की तरफ से आई है, एचएएल की तरफ से इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चक्रवाती तूफान तितली से पश्चिम बंगाल के दो जिलों में शुक्रवार को व्यापक तबाही होने के बीच एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हैं। तूफान कमजोर होकर कम दबाव वाले क्षेत्र में बदल गया है, साथ ही ये उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार तक पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। भारत और चीन समेत 16 सदस्यीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP देशों की 13 अक्टूबर को सिंगापुर में बैठक होगी। ये सभी देश वृहद व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री CR चौधरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे। RCEP एक मुक्त व्यापार समझौते का प्रस्ताव है जिस पर 16 देश बातचीत कर रहे हैं। मेहमान टीम वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ हैदराबाद में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक उसने 7 विकेट के नुकसान पर 295 रन बना लिए हैं। अब देखना होगा कि दूसरे दिन भारत वेस्टइंडीज को कितने स्कोर पर रोक पाएगा।